हमारी मार्केट में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है कि हमारी मार्केट उस पड़ाव पर है इस समय जो अमेरिकन मार्केट से शायद 25 साल पहले थी जब कोई कंट्री एक ट्रांजेक्शन कर रही होती है जैसा प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है जब एक कंट्री उस तरफ जा रही होती है ना उसमें आप कभी भी कहीं भी किसी भी लेवल पर इन्वेस्ट कर लीजिए आपका पैसा बनेगा मुझे बात बताइए आज फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपने निफ्टी में कभी भी कहीं भी लिया हो आपका पैसा बन रहा होगा बीच बीच में क्या होता है आपने जब वो पीक देखा था डॉट कॉम वाला पीक देखा था वो कई साल तक नहीं आया लेकिन उसके बाद जब आया तो मार्केट वहाँ से डबल हुआ उसके बाद लीवन क्राइसिस आया उसमें निफ्टी ने छः के करीब का पीक बनाया उसके बाद मार्केट में एक ब्रूटल करेक्शन आया निफ्टी ढाई तक पहुँच गया मेरे ख्याल से ढाई से भी नीचे आ गया था हाँ। इवेंचुअली मार्केट ने उसके बाद नेक्स्ट जो हाई बनाया वो कहाँ बनाया उससे डबल से कहीं ज़्यादा छः हज़ार से डबल से कहीं ज़्यादा बारह हज़ार से समथिंग उसके बाद जब कोविड में बड़ा करेक्शन आया बड़ा डिक्लाइन आया कोविड में तो मार्केट कहाँ तक पहुँचा उस लेवल तक पहुँचा वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट डबल हुआ जी हाँ इंडिया मार्केट जो है वो इस तरीके का आपको मुंह दिखाती रहेगी अभी बीस हजार छः सौ पर हैं हम इस समय ठीक है मुझे लग रहा है कि पच्चीस छब्बीस हजार तो आपका हो जाएगा मार्केट शायद दो सौ सर... उसमें गौतम दूर से बात हो रही थी अगर पंद्रह परसेंट की अर्निंग्स कंपाउंडिंग है और पंद्रह परसेंट से अगर निफ्टी कंपाउंड हो गया दो साल में तो अट्ठाईस तो आपका वैसे ही आ गया तो मिस कर दिया वाली चीज़ कुछ नहीं होती है इंडियन मार्केट में फोमो से बचने का एक ही तरीका है जो मैंने सुबह भी एक फॉर्मूला बताया था दो चीज़ों का ध्यान रखें एक सिप और एक डिप तो सिप आपने हर बार कंटिन्यू करनी है और मैं खुद बता रहा हूँ ईजी नहीं होता मैं मैंने खुद लिवन क्राइसिस के टाइम पर अपनी जो सिप्स थी वो तोड़ी थी और मुझे याद है मेरे को उसका कितना रिग्रेट है अब तक क्योंकि मैंने अगर वो समय नहीं तोड़ी होती और उस समय उनको मैंने कंटिन्यू करा होता तो शायद आज मैं सेफली रिटायर हो सकता था ठीक है और एक है डिप आपको जब भी डिप मिले उस फोमो से बचने का एक तरीका है कि आप उसमें फिर कर दीजिए इन्वेस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको आप अभी ले लीजिए बेस्ट तरीका इसका एक आज की डेट में आपने अब तक मिस कर दिया ना अभी एक निफ्टी ई ले, ले लीजिए उसमें होगा क्या उससे ये होगा कि आप फोमो से बच जाएंगे और अगर कल को हज़ार पॉइंट निफ्टी गिर गया मान लीजिए गिर सकता है निफ्टी है मार्केट है करेक्शन हो सकती है हज़ार पॉइंट गिर गया आपको मौका मिल जाएगा फिर उसको एवरेज करने का लोअर रेट पर तो ये एक तरीका है इससे मिस करने का और एक चीज़ प्लीज़ ये गलती बिल्कुल ना करें मैंने ऑल थ्रू नवंबर ये मेंटेन कराया था शॉर्ट की तो ट्रेड मैंने बंद ही कर दिया था hmm. क्योंकि लेवल बेस ही मार्केट है नहीं शॉर्ट तो करना ही नहीं है आपको इस मार्केट में इस मार्केट में शॉर्ट करके पैसा ना बनाए मतलब दूर रहें शॉर्ट करके पैसा hmm. किसी दिन बन भी जाएगा ना वो दो दिन के बाद आपका इतना पैसा लेकर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो इसके लिए शॉर्ट बिल्कुल नहीं करें लॉन्ग के बारे में ही सोचें जहाँ मन करें ना वहाँ ले लें ये हमारी मार्केट ऐसी है अगर बीस साल में आपका पैसा बीस गुना बनने वाला तो हजार पाउंट नीचे ले हजार पाउंड कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी तो तेजी का मार्केट है तेजी में ही रहिए अगेंस्ट द ट्रेड जाकर कोई हीरो ट्रेड निकालने की कोशिश ना करें पैसा बन रहा है तेजी में वहीं पर पैसा लगाए एंड नेवर से नेवर कभी भी कोई मौका चूकना नहीं चाहिए थोड़ा बहुत डिप मिले तो खरीदारी करें और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत तेजी हो गई अब मैं उतर के क्या करूँ बस निकल हाँ बिल्कुल एक सुबह मैंने एक चीज बोल रही थी रिपीट कर देता हूँ एक बार एक चीज़ ये राकेश झुंझुनवाला ने बोली थी कि उनके गुरु ने उनके एक उनको एक बार कहा था hmm. स्टॉक मार्केट में शिवाजी ना बने hmm. मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है ना तो आपको अगर आपको शिवाजी बनना है मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिलेर बनना है ना तो बैटल में जाइए फिर <laughs> स्टॉक मार्केट बैटल नहीं है स्टॉक मार्केट में आपका पैसा बनता है सिंपली जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड ट्रेंड के साथ रहेंगे इंडियन मार्केट का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है अच्छा मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कल का इलेक्शन रिजल्ट आ गया है इसके लिए आपको याद होगा ये मेरा व्यू काफ़ी टाइम से रहा है कि इंडिया में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको इन्वेस्टेड रहना होगा और इन्वेस्ट करना होगा लेकिन जो कल हुआ है उसने मेरे इस व्यू पर एक तरीके से एक एक एफर्मेशन एक स्टैंप डाल दिया क्योंकि अब एक चीज है कि अगले पांच छह साल के लिए आपको विजिबिलिटी मिल गई है मार्केट को क्या पसंद नहीं है विजिबिलिटी ना हो वो पसंद नहीं है अगले पांच छह साल की विजिबिलिटी मार्केट के पास आ गई है इसके लिए एक व्यू है और अब देखिए फोर्टी सिक्स क्रॉस करने वाले हैं हम फोर्टी एक नज़र वहाँ भी रहेगी हजता शायद आज ही हेट करेंगे हम उसको जी